नमस्कार, एग्री मॉर्निंग कॉन कॉल में आपका स्वागत है। आज 20 मई कल के सेशन में हमने एग्री काउंटर में फिर से एक मिला जुला ट्रेड होते हुए देखा। सबसे बड़ा कंसर्न जो एग्री मार्केट में आ रहा है वो है वॉल्यूम पार्टिसिपेशन का। जिस ढंग से काफ़ी कमोडिटीज़ है जिनकी ओआई में काफ़ी भारी गिरावट है और साथ में वॉल्यूम में भी गिरावट है, जो कहीं ना कहीं कोई भी ट्रेड्स क्लियरिटी के साथ नहीं दे रहा है। फिर भी कल हम एडिबल ऑयल पैक की अगर बात करें तो सीपीओ में हमने आधे परसेंट की तेजी आते हुए देखी। रिफाइंड सोया में फ्लैट टू नेगेटिव था। रिफाइंड सोयाबीन में हमने 3800 के नीचे ही ट्रेड करते हुए देख रहे हैं। मस्टर्ड भी फ्लैटिश था। कैस्टर में हमने गिरावट देखी आधे परसेंट की। 3600 का इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल बना हुआ है। अनलेस एंड अनटिल वीकली बेस पे 3600 के नीचे नहीं जाता है, प्राइजेस हो सकता है एक रेंज में रहे। वहीं मसालों में फिर से हमने दबाव बनते हुए देखा। हल्दी में जो अर्ली तेजी आई थी सोमवार के सेशन में वो खत्म होते हुए दिखाई दी। प्राइजेस वापस 5256 तक के लेवल पे। टेक्निकली थोड़ा प्रेशर जरूर बना हुआ है बट फंडामेंटल इतने ज़्यादा ख़राब नहीं दिखाई दे रहे। तो आई थिंक 5100 से लेकर 5350 का एक नया रेंज बन चुका है। इस रेंज में मार्केट ट्रेड करेंगे। जीरा और धनिया, इनके चार्ट्स पे हमने अलर्ट दिए थे कि वॉल्यूम एक तो काफ़ी कम है, ओआई कम है और डाउनवर्ड ब्रेकआउट दिखा रहा है। जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी 13100 से 13050 तक का लेवल जीरे में, और जबकि 5350 तक का लेवल हम धनिया में देख पाएंगे। तो दोनों ही काउंटर पे ध्यान रखिए, मार्केट में गिरावट के साथ ही मार्केट ट्रेड करेगा। इन सभी के बीच में असेंशियल कमोडिटी एक्ट एबोलिश करने के बाद या हम रिवैम्प करने के बाद सबसे अट्रैक्टिव कमोडिटी जो बनती है वो चना है। डिस्पाइट दिस, चने में कल हमने 1% की गिरावट आती हुई देखी। पहला चीज़ है, जिस दिन से हमने COVID-19 की वजह से फार्मर की जो अराइवल्स है ये थोड़े से बढ़ गए हैं, सबको कैश चाहिए। हमने देखा है कि कुछ मंडियां राजस्थान में बंद है, उसके चलते बॉर्डर एरियाज की जो भी मंडियां हैं उनका माल जो है गुजरात भी आ रहा है। तो ओवरऑल मार्केट में अराइवल प्रेशर बढ़ रहा है, जिसके चलते हमें लगता है कि दबाव बना हुआ है रबी वाले क्रॉप्स के अंदर। बट चना मेरे को लगता है कि मार्केट 4000-4050 का एक अच्छा खासा बेस है, लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा काउंटर है, ये प्राइस काफ़ी अच्छी है। कॉटन सीड ऑयल केक में भी आज अगर 2040 के ऊपर अगर प्राइस नहीं निकलता है तो 1950-60 के लिए बेचा जा सकता है। गवार सीड गवार गम में हमने एक प्रॉफिट बुकिंग देखी है जो आज कंटिन्यू रह सकती है। जो 3450 तक का लेवल गवार सीड में और 5200 तक का लेवल गवार गम में देखने मिल जाएगा। धन्यवाद।